नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज मैं बताना चाहूँगा आपको, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरव्यू का है कि इंटरव्यू में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन किस मोटिव से दें, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपको पता होगा कई सारे बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन वहाँ पर हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं और हमें पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ क्या बोलनी है और एंड में हम रिजेक्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, हमें पता तो बहुत कुछ है लेकिन उसमें क्या क्या पॉइंट्स को लेकर हमें इंट्रोडक्शन देना है ये हमें पता नहीं। तो उस पॉइंट्स को लेकर के मैं आपको बताऊंगा और इंटरव्यू किस तरह दिया जाता है उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन और एक माइसेल्फ, आजकल इन दोनों में हमें कंफ्यूजन हो रही है। देखिए, माइसेल्फ क्या होता है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है आपके ऊपर, एक तरह से ऐसे टाइप होता है, उसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके बारे में, आपकी एज, सब कुछ आएगा, भाई बहन कितने हैं, तो आपका क्या होता है माइसेल्फ। लेकिन जहां पर आप बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन नाम से आता है कि इंट्रोडक्शन यानी आपके बारे में पूछ रहा है वो पर्सन। तो उसके अंदर क्या आना है, आपके बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं आना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज, ये सारी चीजें नहीं आएगी। खाली आपकी क्या आएगी, 5 से 6 चीजें आएंगी। और क्या क्या चीजें आएंगी, पहला आएगा आपका नेम, दूसरा क्या आपका आएगा एड्रेस, तीसरा क्या आपका आएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक होती है एकेडमिक और एक होती है प्रोफेशनल। एकेडमिक का मतलब हो गया 10th 11th, जो भी आपका एक सेगमेंट यानी कि जो प्राइमरी लेवल से आपको चलता है, 10th 11th 12th ग्रेजुएशन पीएचडी, दैट्स इट। प्रोफेशनल में क्या हो गया, एक स्पेशल कोर्स यानी कोई कोर्स कर लिया, रिटेल का, टैली का, नर्सिंग का, कोई आपने सीए कर रहे हैं, आईपीसीसी कर रहे हैं, यानी मान लिया जाए कोई सीए की लाइन, यानी कोई प्रोफेशनल डॉक्टरीज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ किस में आएगी, प्रोफेशनल की। चौथे चीज़ में क्या आएगी, स्ट्रेंथ। पाँचवें में क्या आएगी, हॉबी। और छठे में क्या आपका आएगा, थैंक्स। उससे पहले आपका क्या आएगा, एम। यानी 6 से 7 चीज़ें, नेम बोलना है, एड्रेस बोलना है, क्वालिफिकेशन, स्ट्रेंथ, हॉबी और एम, ये सारी चीज़ें बोलनी है। ये सारी चीज़ों को ही लेकर के आपको लाइन वाइज लाइन अपने आप को इंट्रोडक्शन देना है। और ये सारी चीज़ अगर सिस्टमेटिक लेके चलेंगे तो आप हमेशा आगे जाएंगे और हर इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा और आप कहीं पर पीछे और रिजेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इन 5-6 चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे इंट्रोडक्शन देना है उसकी वीडियो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा। और जब भी आप ये सारी चीज़ें बोलें तो ऐसा ना करें कि सबको सब बोलते जाए रट के, इसके बीच में गैप भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए माय नेम इज वेद मिश्रा, थोड़ा सा पॉज देना है, माय नेम इज वेद मिश्रा, लेट अस आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। कई लोग क्या करते हैं, माय नेम इज वेद मिश्रा, आई लिव एट द न्यू डिफेंस कॉलोनी, इस तरह बोलते चले जाते हैं तो ऐसा लगता है रटा हुआ लग रहा है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना है कि माय नेम इज वेद मिश्रा, लेट अस, और 2-3 वर्ड्स होते हैं, लेट अस हो गया, डू यू नो हो गया, आई इंट्रोड्यूस माई, इस तरह करके 2-3 वर्ड्स हो गए। जैसे मान लिया जाए लेट अस आई इंट्रोड्यूस माई क्वालिफिकेशन, चलिए मैं बताता हूँ, डू यू नो अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई इंट्रोड्यूस माई क्वालिफिकेशन, इस तरह करके जो 5 से 6 जो आप बोलेंगे अबाउट इन 4 से 6 का जो सेंटेंसेस को लेकर के, उसके बीच में ये पॉज होना नेसेसरी है, तभी आपका एक इंटरव्यू अच्छा सा अच्छा हो पाएगा। और कोई भी आप रटा हुआ ना बोले, हर चीज़ के ऊपर सोच समझ कर कि इंट्रोडक्शन बोलें, क्योंकि इसमें गहराई में इंटरव्यूअर जाता है जानकारी के लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।